स्पेन जिसके अंदर एक हुआ जबरदस्त किस्म का इवेंट, जिसके इसमें बार्सिलोना के अंदर, और उसमें जबरदस्त किस्म की नुमाइश हुई। मैं बहुत जल्द आपको इस वीडियो दिखाने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा। उसमें एक साहब जो है हमारे पाकिस्तानी गए और इन्होंने पॉजिटिव कमेंट भी किया और नेगेटिव भी किया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खतरनाक बात थी वो क्या थी कि हमारा कोई पाकिस्तानी स्टॉल ही नहीं था, कोई ऐसी प्रोडक्ट ही नहीं थी एआई के हवाले से, जबकि दुनिया वहाँ पे एआई के हवाले से तड़तड़ा पहुँची हुई थी। थोड़ा सा साहब की वीडियो सुने, फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं बार बार क्यों एआई की बात कर रहा होता हूँ कि प्लीज़ 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 एआई का हिस्सा बने, क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ आगे जा रही है। ज़रा ज़रा बार्सिलोना आया हुआ था एक कॉन्फ्रेंस में MWC की, तो यहाँ पर पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं अपनी प्रोडक्ट्स लेके आते हैं और शो करते हैं कि जी हमारे कंट्री के पास हमने ये बनाया है, हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ये है। तो ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, एवरी बिग ब्रांड्स, एवरी बिग कंपनी जो है ना वो इधर प्रेजेंट करते हैं अपने, लेकिन नहायत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वहाँ इंडिया, बांग्लादेश, अफ्रीकन कंट्रीज, यूरोप और अमेरिका और उन कंट्रीज़ को तो आप छोड़ दें, उन ये जो कंट्रीज़ हैं ये कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एआई से रिलेटेड और दुनिया भर की टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट लेके आए हैं, लेकिन दूर दूर तक यहाँ पाकिस्तान का नामो निशान नहीं था, दूर दूर तक नहीं। यार आप यकीन करें, दुनिया इतने आगे जा चुकी है, इतने आगे जा चुकी है कि हम, आप यकीन करें, हम उसके मतलब 100 या 200 साल पीछे जा चुके हैं और हम मुसलसल पीछे ही जा रहे हैं। मतलब दुनिया का डायरेक्शन आगे की तरफ है, हमारा डायरेक्शन पीछे की तरफ है, और जिस तरीके से लोग यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, तो इंतहाई दुख के साथ कहना पड़ता है कि जी हम कहाँ हैं, हमारा नाम और निशान नहीं है इस दुनिया में। आप ये समझ लें कि वी आर कम्प्लीटली यू नो वैनिश, हमारी एग्जिस्टेंस ही टेक्नोलॉजी की दुनिया में या एजुकेशन की दुनिया में ख़त्म हो चुकी है। हर बड़ी कंपनी का सीईओ इंडियंस, हर बड़ी टेक्नोलॉजी के लीड इंडियंस, हर जगह पर इंडियंस आए हुए हैं, अमेरिकन्स, यूरोपियंस ये हाथों हाथ ले रहे हैं, इवन आपके मुसलमान मुल्कों के अरब्स ये भी इंडियंस को हाथों हाथ ले रहे हैं। एक्सपर्ट्स IoT के हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हैं, इट्स एन इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी टू गेट इन। होता यह कि हमारे जो दोस्त हैं वो अपने अपने बड़ी बड़ी कंपनियों में एक छोटा सा रोल लेके दे बिकम अ ब्रिक इन द वॉल, और उनको नजर नहीं आ रही होती है बिग अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटीज डू नॉट कम नॉकिंग ऑन योर डोर, यू हैव टू कम टू दीज कॉन्फ्रेंसेज टू फाइंड दोज अपॉर्चुनिटीज। आप यहाँ आए, आप देखें कितनी जबरदस्त इनोवेशन हो रही है। फ्लाइंग टैक्सी है, SK टेलीकॉम ने बनाई है, और ये नेक्स्ट फ्यूचर में ये होने जा रहा है कि ये टैक्सी फ्लाई कर रही होंगी। क्या चीजें स्ट्रेटेजिकली आ रही हैं अगले 2 से 5 साल में, आप उसके ऊपर काम करें, आप अपनी निश स्ट्रॉन्ग करते चले जाएं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में काम करें, और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। पहले आप एज अ कंसल्टेंट काम करेंगे, देन यू कैन बिल्ड अ कंपनी, होल कंपनी, एंड इफ यू आर एन एक्सपर्ट, पीपल आर गोइंग टू कम टू यू। इट डजंट मैटर यू आर अ पाकिस्तानी, इट डजंट मैटर यू आर एन एशियन, इफ यू कैन प्रोवाइड वैल्यू टू पीपल, पीपल केयर अबाउट इट, सो योर बैकग्राउंड डजंट मैटर। वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस इवेंट के अंदर पूरी दुनिया के लोग आए और हर कंपनी ने अपनी प्रमोशन की थी AI के हवाले से। कुछ लोग मोबाइल के हवाले से कर रहे थे, कुछ स्मार्ट कार लेके आए थे, वॉचेस लेके आए थे, फ्लाई टैक्सियाँ लेके आए थे। पाकिस्तान का कोई स्टॉल नहीं था। फिर हम कहते हैं कि यार हमारे हालात तो ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि दुनिया आपको जो चीज़ें बेच रही है आप खरीद रहे हैं, आप बेच कर रहे हैं, आप तो आटा दाल चीनी चिप्स कबाब पराठे ये बेकरी वो यही है हमारी प्रोडक्शन, इसके अलावा क्या है। दुनिया रिपोर्ट्स बना रही है 2030 के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपो होने वाली है सऊदी अरब के अंदर, और सऊदीया ने बाकायदा प्रमोशन स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा फीफा भी सऊदीया में होने वाला है,
और नेओम जैसा सिटी स्मार्ट गेटवे जिसकी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ वो भी सऊदी अरब में बन रहा है और तकमील पे है, जिसमें हज़ारों कंपनियां अपना ऑफिसेस खोलेंगी और हज़ारों ऐसे लोग होंगे जो टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस रखते होंगे। फिर मैं कहूँगा टेक्नोलॉजी का हिस्सा बने, पॉकेट को फॉलो करें।